shacks but all of my yurda. Yeah, hit the club and someone barda. So hello guys, welcome back to my channel Zagbers Gaming. तो मैं यारी आज की वीडियो इसके ऊपर है कि जो हमारा डीजे वालो कैरेक्टर है फ्री फायर में वो गोल्ड में आएगा कब, आएगा भी या नहीं आएगा, वो फ्री में आएगा, इसी के ऊपर आज हमारी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो समझनी है तो आपको हमारी ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो गाइस, जो हमारा डीजे वालो कैरेक्टर है वो कभी भी हो सकता है गोल्ड में ना आए, एक दो साल बाद भी वो गोल्ड में ना आए। क्योंकि पहले मैं आपको और पॉइंट बता देता हूँ, मैं आपको उसका रीज़न बाद में बताऊँगा। और फ्री में तो ये कभी भी नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये फ्री में नहीं आएगा कभी भी। अब मैं आपको इसकी रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा डीजे वालो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर है। अगर आप डीजे वालो कैरेक्टर को कभी भी ख़रीदते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो डीजे वालो को जाता है और उसमें से कुछ हिस्सा फ्री फायर को जाता है। अगर फ्री फायर अपना हिस्सा छोड़ भी दे तो उसमें डिस्काउंट आ सकता है, पर आलोक अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फिर तो उसकी इनकम ही सारी ख़त्म हो जाएगी। वो अपना हिस्सा वो कैसे छोड़ सकता है भला, है ना गाइस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डीजे वालो कैरेक्टर का बहुत 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 मुश्किल है गोल्ड में आना, तो कम से कम 3 साल तक। अगर 3 साल के बाद ये गोल्ड में आ जाता है तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता हूँ। और फ्री में ये कभी नहीं आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, फ्री में ये कभी भी कैरेक्टर नहीं आने वाला है। आप अगर इसको जैसे कभी भी अगर आप 599 डायमंड में या 499 डायमंड में डिस्काउंट वाउचर लगा के ख़रीदते हो तो उसमें से कुछ हिस्सा फ्री फायर को जाता है और कुछ हिस्सा आलोक को जाता है। अपना आलोक हिस्सा कभी भी नहीं छोड़ेगा, हो सकता है कि वो 3-4 साल बाद भी गोल्ड में ना आए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और फ्री में कभी नहीं आएगा, मैंने आपको फिर बता दिया, फ्री में ये कैरेक्टर कभी भी नहीं आने वाला है। ओ भाई, फ्री में ये कैरेक्टर कभी भी नहीं आएगा, मैंने आपको अभी फिर से भी बता रहा हूँ। मैं आप ऐसे मत सोचना कि यार अभी ये फ्री में रहेगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी फ्री फायर का 3rd एनिवर्सरी इवेंट चल रहा है। हाँ, तो मैं आपको एक बात और कह सकता हूँ कि 26th ऑफ अगस्त को डीजे वालो कैरेक्टर का हमारे का बर्थडे आता है। चाहे तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, हमारे डीजे वालो कैरेक्टर का बर्थडे जो होता है वो आता है 26th ऑफ अगस्त को। तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो डीजे वालो कैरेक्टर हमारा जो है बहुत ज़्यादा 80% डिस्काउंट में आने वाला है। मुझे एक फ़ोटो मिली थी, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि इंडोनेशिया के सर्वर की है, उसमें जो डीजे वालो को दिखाया गया है वो ओनली इन 80 डायमंड्स इंडोनेशिया के सर्वर, उसमें 80% ऑफ था। अगर आपको आलोक ज़्यादा ही पसंद है तो आपको टॉप अप करना ही पड़ेगा, आप 100 रुपीज़ वाला टॉप अप भी कर सकते हैं अगर आपको आलोक चाहिए तो, क्योंकि 26th अगस्त या उसके बाद आने वाला है डीजे आलोक हमारा बहुत ज़्यादा 80% ऑफ में। मतलब यार 80% ऑफ, यार आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपको ख़रीदना ही होगा यार, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। और एक चीज़ और, आप सभी जानते होंगे हयातो को फ्री फायर वालों ने कहा था कि हम अवेकन कर रहे हैं, पर अभी तक वो हुआ नहीं है। तो आप अपने फ्री फायर के पैच नोट्स में जाके देख सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पे लिखा है 22 अगस्त 2020, यानी जो हमारा डीजे वालो कैरेक्टर है वो 22 अगस्त को अवेकन किया जाएगा, हयातो कैरेक्टर। मैं बार बार डीजे वालो बोल रहा हूँ, सॉरी। हमारा हयातो कैरेक्टर 22 अगस्त को अवेकन कर दिया जाएगा। और उसके अवेकनिंग मिशंस बहुत 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 ज़्यादा ईजी हैं, आपको सिर्फ एक बंदे को उससे मारना होगा और आपको बहुत उससे मतलब उसको आपको 1000 मीटर तक भगाना होगा, तो आपके वो अवेकनिंग मिशंस कंप्लीट हो जाएंगे बहुत आराम से। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।